विद्यावर्धिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वसई विरार में इंजीनियरिंग का एक कॉलेज है, जहां पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों द्वारा एक प्रदर्शनी रखी गई। यह प्रदर्शनी वर्तमान डिजिटल युग के अनुसार की गई, जिसमें छात्रों ने कंप्यूटर से ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जो छोटी इंडस्ट्रीज से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज के व्यापारियों को उनका व्यापार बढ़ाने में काम आएगी। वहीं कुछ इंजीनियरिंग के छात्रों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ी तक बनाई। खासियत ये जो व्हीकल है, तो इसमें हम सोलर यूज कर रहे हैं। तो जो अभी मार्केट में सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो अवेलेबल है, उसमें रेंज के कारण बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि हमें चार्जिंग करना पड़ता है। सो चार्जिंग करते वक्त हमारा टाइम लॉस होता है। सो एक टाइम एडिशनल टाइम लगता है व्हीकल चार्ज करने के लिए, और जो ट्रैवलिंग टाइम है वो हम इसमें कवर कर सकते हैं, जिससे कि चलते हुए भी अपनी गाड़ी सोलर से चार्ज हो सकती है। सो हमारे गाड़ी में दो बैटरीज है। सो एक बैटरी जो है वो मोटर को पावर करेगी, और दूसरा जो बैटरी है वो सोलर से चार्ज होगी। एक बैटरी खत्म हो जाने के बाद दूसरा बैटरी फट से स्विच होता है, जिससे कि वो बैटरी फिर मोटर में जाती है और जो पहली बैटरी रहती है वो चार्जिंग होता है। और सेकंड वाला जो है, एक ये हुआ चार्जिंग का। दूसरा वाला जो फीचर है, जो हमारे हमारी गाड़ी ड्राइवरलेस चलती है। सो ड्राइवरलेस मतलब बिना ड्राइवर की चलती है। सो बिना ड्राइवर का जो काम है वो हमारे जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, लाइक कंप्यूटर के हैं, सीएसई के हैं, एआईडीएस के हैं, सो हम मिलके वो ड्राइवरलेस फीचर बना रहे, जिससे कि एक सेफर साइड, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सेफर साइड है वो रिफ्लेक्ट होता है। सो हम लोग वहाँ कैमरा यूज करते हैं, जहाँ हमारा कैमरा रोड डिटेक्ट करेगा, और रोड डिटेक्ट करने के बाद वो आगे हमारे गाड़ी के कंप्यूटर को सिग्नल्स भेजेगा, जिससे कि वो टर्न्स लेगा, रुकेगा, स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड कम करेगा, वो फीचर। ऑल्सो हमारा जो गाड़ी है वो बनाने के लिए जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे कॉलेज में, उनमें से जो 6 से 7 बंदे, 6 से 7 स्टूडेंट्स हर एक डिपार्टमेंट से आते हैं। जहाँ मैकेनिकल से जो मैकेनिकल काम रहता है उनके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक से जहाँ इलेक्ट्रिकल जो काम रहता है उसके लिए है, और कंप्यूटर से जो ऑटोनोमस का जो सिस्टम है वो हम लोग बनाते हैं। और हमारी जो टीम है वो 4 बार ऑलरेडी 4 टाइम्स नेशनल चैंपियन है, जो इंडिया में कॉम्पिटिशन है सोलार के। ये आप देख सकते हो 50+ ट्रॉफीज है। और ये हमारा आने वाला व्हीकल है। ये जो व्हीकल है इसको हम लोग इसमें बदलने वाले हैं, जिससे कि हमारी रेंज और बढ़ेगी, और ये हमारा फ्यूचर इवेंट है। और बेसिकली हम और इंटरनेशनली भी जाने का कोशिश कर रहे हैं, सो उस हिसाब से हमारा आरएनडी चल। वहीं इस बारे में विद्यावर्धिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल राकेश शिंदे ने जानकारी दी। मैं डॉक्टर राकेश शिंदे, विद्यावर्धिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मैं प्रिंसिपल करके काम करता हूँ। विद्यावर्धिनी कॉलेज का एक अपना ट्रेडिशन रहा है कि हम लोग इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही बच्चों को हम लोग इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन का कोर्स करवाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो आज के डेट में जो इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, जैसे हम लोग देखते हैं कि मेरे पास में मोबाइल है, इसमें टेक्नोलॉजी हर दिन नया मोबाइल आपको मिलेगा, नए टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगा। तो हर दिन जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहे, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग रहे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स रहे, चाहे इलेक्ट्रिकल रहे, चाहे सिविल इंडस्ट्री रहे। तो हमारा ये मानना है कि आज इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो स्टूडेंट्स है वो इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो आज जो एग्जीबिशन जो चल रहा है, जिसका हम लोगों ने प्रोडक्ट विद्या के नाम से रखा हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट ने अलग अलग नाम दिया हुआ है ये प्रोडक्ट एग्जीबिशन को, ये स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्री से प्रोडक्ट्स लाए हैं हमारे कॉलेज में, उसको एग्जीबिशन कर रहे हैं। पहले तो स्टूडेंट खुद समझता है कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्रोडक्ट है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो अपने इसको अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, वो अपने खुद भी समझे और दूसरों को भी समझाए। तो हमारा ये मानना है कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स है वो स्टूडेंट्स को आज के किताब के ज्ञान के साथ में हम लोग उनको इंडस्ट्री के हिसाब से क्या और नया कुछ कर सकते हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स क्या कर सकते हैं, क्रिएटिविटी क्या कर सकते हैं, ताकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को प्लेसमेंट भी अच्छा हो और उसमें हमारे स्टार्टअप्स भी हो, ताकि हम एंटरप्रेन्योर्स हम लोग यहाँ से प्रोड्यूस कर सके।
ये हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।